चाहिए इसको मेरी तरफ अटैक करने के लिए क्या इसका जो स्पेयर हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन में जा सकता है या फिर कुछ और चीज है तो अगर मैं आग पोजीशन में मूव करूंगा वेल एक तरह से जैसे बो होती है वैसी पोजीशन में तो मेरे ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा वो ऐसे मूव कर रहा होता है जोन चंगफेंग बोलते तुम बेवकूफ हो वो अपना अटैक आगे की तरफ यूज करता है वो सोच रहा होता है कि ये सोच रहा है लूजेंग की स्मार्ट है कि ये मेरे अटैक्स को समझ पा रहा है और स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं जो मेरे अटैक्स है वो ये बेवकूफी में ये बेवकूफ है एक तरह से लूजेंग ऐसे मूव कर रहा होता है जो जो चंगफंग का अटैक होता है वैसे ही फिर मूव कर जाता है वेल लुजेंगे सोच रहा होता है की स्टेट लाइन में पर वो मूव कर रहा होता है वेल कंट्रोल कर पा रहा होता जॉन एंड चैकफंग लुजिंग सोच रहा था नहीं मैं भूल गया था कि जो वर्टिकल पाथ होती है वो भी एक प्रेजेक्ट्री होती है और मैंने इस तरह की लाइट पहले देखी है वेल जब वो किसी ने अटैक किया था उसकी तरफ एक आई अपेयर हुई थी भाई जब वो हैल्यूशन में जा रहा था डिवाइन किंगडम ऑफ कॉन्टिनेंट में तो एक आई देखी थी उसने जो की उसने ब्लैक ओरा को रिलीज किया था स्ट्रेट लाइन में उस ओरा के पास भी एक पावर थी जो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती थी क्या जो पर्पल ओरा ज्वाइन एंड का जो स्पेयर से आ रहा है है, उसका कोई कनेक्शन है क्या ब्लैक ओरा से उस आई से वो तो लूजिंग के पास ही पहुंच गया होता है बोलता मर जाओ वो स्माइल कर रहा होता है मैं क्या करूँ कुछ ज्यादा लेट है अब स्मोक को एक्टिवेट करने के लिए वो सोचता है है हाँ, ये सही है। मैं भूल गया था मेरे पास ये भी है वो एक मैग्नेटिक स्टोन को अगली तरफ कर देता है जोन बोलता है क्या मैं कर पाऊंगा इस बार इसको हरा पाऊंगा जॉन चैंग का अटैक पूरी तरह से गायब हो जाता है जॉन चैंग बोलता है क्या वो काज हैरान होता है और बोलता है इस माउंटेन में तो कोई भी फ्लोज नहीं है ये तो युवा मैग्नेटिक स्टोन है लूजिंग वहाँ पे खड़ा होता है और युवा मैग्नेटिक स्टोन की एनर्जी को गैदर कर रहा होता है अपने हाथ में जो सोच रहे थे तो पावर है युआन मैगनेटिज्म की हैं इसे और इसे यूज भी कर सकते हैं जी सोच रही होती है की इतना लंबा टाइम नहीं हुआ मैंने इसे जेड स्लिप दी है की इसने मैनेज भी कर लिया इसे मास्टर करने के लिए इतने ज्यादा कम टाइम में जी फैमिली का एंसेस्टर में दिखा देता है वो बोलते कि जो सीक्रेट मेथड है जो मैंने क्रिएट की है ये लूजेंग को जीजा जी ने दी है बाकी बोलते क्या एक बोलता है कि सीक्रेट मेथड एक आउटसाइडर को देना ये ट्रीजन नहीं है लूजाउजी ने ऐसा क्यों किया एनसेस्ट्रे बोलते है की जी जो है वो स्मार्ट है और डिसीविव है वैल वो ऐसा नहीं करेगी जिसमें उसको घाटा होगा उसने पक्का ही कुछ पाया होगा इसके लिए वो कभी ऐसे डील को नहीं करेगी जिससे उसको प्रॉब्लम होगी वो सोच रहा होता है कि ने मैग्नेटिक माउंटेन को रिफाइन कर लिया है और जी ने उसे सीक्रेट मेथड को टोट किया तो मैं सेफली अज्यूम कर सकता हूँ की कम्प्लीट ट्रेड था वेल हमें भी कुछ मिला ही है कि हम यून मैग्नेटिक माउंटेन को कैसे रिफाइन कर पाएंगे और अगर सही तरीके की बात की जाए तो यूआन मैग्नेटिक का रिफाइनिंग मेथड भी हमारे लिए अच्छा ही है और बेनिफिशियल है जीव फैमिली के लिए तो दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं परूजेंगे तो इनकम्पेरेबल जीनियस है ये एक्चुअल में पावर ऑफ यून मैग्नेटिज्म को रिफाइन कर सकता है जो लिटिल फैमिली का वो तो ट्रबल में होगा ऐसे लोज को देख सकते हैं जो की पीछे हर चीज में मुझे नहीं लगता है की वो पावर ऑफ यूआन मैग्नेटिज्म को रोक पाएगा क्योंकि इसमें तो कोई भी फ्लोज नहीं होते हैं जोनिया चैक में काफ़ा हैरान होता है सोच रहा होता है जब मैंने मैनेज कर लिया था कॉम्प्रीहेंड करने के लिए डिवाइन डा ऑफ ट्रुथ को जो मेरे ग्रेट एंसेस्टर थे मुझे बताया था कि जो डिवाइन डा ऑफ ट्रूथ होता है वो ऐसा रूल होता है जो बाकी रूल्स को सेट करता है और ऐसी पावर को प्रोसेस करता है जिससे हम लोज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इस वर्ल्ड के जीजाव ने, जीजाव जी ने फाइव एलिमेंट्स को डिटीवेट किया के लिए क्योंकि इसमें कोई फ्लोज नहीं होते हैं पर अभी मैं उसे हैंडल कर पा रहा हूँ बहुत ज्यादा मुश्किल से क्योंकि वो हाई लेवल पे नहीं पहुंची है अपनी मास्टरी में पर मैं अगर ऐसे ओपोनेंट को एनकाउंटर करूंगा जो कि फाइव एलिमेंट डिवाइन आउ को कल्टीवेट कर रहा है सेम ही लेवल पे जैसे कि मैं कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि मैं उसके फ्लोज को देख पाऊंगा अगर पावर ऑफ यूआन मैग्नेटिज्म की बात की जाए के

अच्छा फॉर्च्यून भी है सभी ऐसा बोलते थे कि मैं प्रोटेगनिस्ट हूँ तो जो गुड फॉर्च्यून आएगी वो मेरे को मिलनी चाहिए किसी और को नहीं पर मैं इस मैन को ओवरकम नहीं कर पा रहा हूँ जो मेरे सामने है जो भी चीजें मुझे पहले बोलते थे वो सब जो की अगर मैं जीतना चाहता हूँ तो मेरे को ये फ्रेगमेंट यूज करना पड़ेगा इससे मैं अपने स्टेट ऑफ माइंड को काम कर पाऊंगा अगर मैं इसे यूज करूंगा तो लूजिंग मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाएगा ऐसा तो अगर मैं इसे यूज कर लूंगा तो ज्वाइन एंड फैमिली की जो ओवरऑल प्लान है वो बेस्ट में चला जाएगा और इससे ज्वाइन एंड फैमिली के जो सीक्रेट है वो सभी के सामने आ जाएंगे पर ऐसा बोलता चैंग

गल अनाउंस कर देती है कि जो फर्स्ट प्लेस है ड्रीम बैटलफील्ड का वो अनाउंस किया जाता है जो फाइनल विनर है वह लूजेंगे जुकिन बोलती है हस्बैंड जीत गया वाह ग्रेट है वो खुश होती है वो टैनम स्माइल कर रहा होता है ली बोलते था जो फर्स्ट है।, है जैसे की बोर्ड था चेस बोर्ड उसके हिसाब से जो तो चैंगफेंग जीतना चाहिए था पर लुजेंग बिगेस्ट वेरिएबल बन गया और उसने जॉन एंड चैंगफेंगे की नेक्स्ट मैं लूजेंग को प्राइज को रिसीव करने के लिए लेके जाऊंगी बाकी प्लेयर्स ब्रेक ले सकते हैं फिर हम बाकी कॉम्पिटिशन को स्टार्ट कर देंगे बाकी रैंकिंग्स की लूजेंग ऐसे गायब वो मूव कर रहा होता है क्लाउड के बीच में से सोच तो ये भी ड्रीम बैटल फील्ड का पार्ट है क्या वेल मेरे को लग रहा है ड्रीम बैटल फील्ड भी एक इल्यूजन है, है वो मूव कर रहा होता है आगे माउंटेन्स होते हैं एक माउंटेन पे एक स्टोन पिलर होता है वहाँ पे एक एनर्जी बोल टाइप होती है वो वेल डिवाइन स्पार्क प्लेट होती है मिस्टर गल बोलती है की तुम डिवाइन स्पार्क प्लेट को ले सकते हो पहले लुजंग सोच रहा होता है अच्छा ये डिवाइन स्पार्क प्लेट जो कि पूरा एंटायर वर्ल्ड कम्पीट कर रहा है इसके लिए मैं कुछ अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है इसे देख के ऐसे जो डिवाइन स्पार्क प्लेट है वो ऑर्डिन लग रही है सरफेस में देखने से पर एक एक्सट्रीमली सॉलिड और स्टेबल पावर ये होल्ड कर रही है जब पहले मेरे इंटरनल वर्ल्ड में कुछ कंडेंस हुआ उसकी से तो उसकी जो अपेयरेंस थी वो भी सिमिलर थी वेल सिमिलर थी डिवाइन स्पार्क प्लेट से तो ये अजीब सा फील हो रहा है वैल वो जो ए एट्राग्राम इसके बॉडी में फॉर्म हुआ था वो भी एक तरह से डिवाइन स्पार्क प्लेट थी टेम्परे पता नहीं टेम्परेरी परमानेंट परफॉर्म हुई थी क्या हो सकता है की टेम्परे डिवाइस पार्क प्लेट की तरह एक्ट हुई थी अगर हम वैसे मतलब सोचे तो वेल हो सकता है तो उसका मतलब वो जो क्रॉस क्रिस्टल टाइप फॉर्म है वो एक्चुअली में डिवाइन स्पार्क है मिस्टेस गर्ल बोलती कि तुम किसका वेट कर रहे हो आगे जाओ ले लो उसे रुजिंग उसे हाथ में पकड़ा वो जो डिवाइन स्पार्क प्लेट होती है वो गोल गोल रोटेट होती है और उसकी बॉडी की तरफ जा रही होती है वो उसकी बॉडी में एंटर कर जाती है और उस वर्ल्ड ट्री के पास जा रही होती है मिस्टेस गर्ल बोलती है तुम फर्स्ट प्लेस में जीत हो तुम्हारे पास कोई और क्वेश्चन है जो तुम पूछना चाहते हो मैं तुम्हें बता सकती हूँ कोई तीन आंसर मैं दे सकती हूँ तुम्हें रुझे बोलते क्या तुमने लुअन के बारे में सुना ियस <laughs> गर्ल बोलती तो, वो बोलती है कि तुम क्या अपने क्वेश्चन को चेंज कर सकती है? वो सोच रही होती है कि मुझे नहीं पता इसने कितने ज्यादा टाइम इसके बारे में पूछा है मेरे कानों में इसने तंगी दे दी है इन क्वेश्चन को पूछ पूछ के बार बार लुसन बोलता है की तुम्हारा नाम क्या है? और वेल सची मुझे पूछू तो तुम हो कौन सुगोड नंबर थ्री अगर आपको